हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा कुजिन। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर किसी को पसंद है और ख़ास तौर पर शादी में तो ये डिश कंपलसरी ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी तवा सब्जी। दोस्तों, ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएँ। इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें आप जो सब्जी पसंद हो वो सब्जी आप रख सकते हो, यानी जिसे जो सब्जी पसंद है आप उसे वो सब्जी सर्व कर सकते हो और एक साथ बहुत सारे लोगों के अलग अलग सब्जियों के डिमांड भी आप पूरे कर सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है भिंडी, छोटे वाले बैंगन, कॉलीफ्लावर और छोटे वाले आलू। आप इसमें मशरूम, पनीर, छोटे वाले प्याज, अरबी, जो भी सब्जी पसंद हो वो आप ले सकते हो। सबसे पहले हम सब्जियों को काट करके रेडी कर लेते हैं। पहले ली है हमने भिंडी, उसे आगे पीछे इस तरह से काटा और इसमें बीच में से ऐसे हल्के से चीरा लगाया, देखिए ऐसे। इसी तरह से बाकी की भिंडी को भी बीच में से चीरा लगाकर रेडी कर लें। भिंडी हमने रेडी कर ली है, अब हम रेडी करेंगे बैंगन। बैंगन को भी बीच में से ऐसे हाफ चीरा लगाएं ताकि वो हल्का सा ओपन हो, तो जब आप इसे आगे के प्रोसेस में आप पकाएं तो बैंगन अच्छे से अंदर तक पक जाए, इसलिए इसका चीरा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बाकी सारे बैंगन को भी चीरा लगाकर रेडी कर लें। भिंडी और बैंगन को हमने चीरा लगाकर रेडी कर लिया है। छोटे आलू को हमने उबाल कर उसका छिलका निकाल कर इसे भी रेडी किया है और जो कॉलीफ्लावर है उसे हमने इस तरह से काटा है, देखिए ना ही ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और खाने में भी इसकी बाइट काफ़ी अच्छी। अब एक कढ़ाई लें और उसमें सब्जियों को फ्राई करने के लिए तेल गर्म करें। यहाँ पर तेल हल्के से गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें रखेंगे सब्जी। एक एक करके आपने जो भी सब्जियाँ ली हैं वो सब्जी रखें और इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है, ये कैसे पता चला? बैंगन के बीच में से हमने जो कट किया था वो ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, यानी अंदर तक बैंगन अच्छे से पक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी की सब्जियों को भी तेल में रखें और लो फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लें। जब तक हमारे आलू हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पक रहे हैं, तो चलिए इन सब्जियों के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए जो ड्राई मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। गरम सब्जियों के ऊपर मसाला स्प्रिंकल करने के लिए हमने लिया है 2 बड़े चम्मच चाट मसाला, उसे एक बाउल में रख दें, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा पसंद करते हो उतने हिसाब से आप लाल मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ड्राई मसाला रेडी करने तक हमारे आलू परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। अब बची हुई सब्जियां रखें और उसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करें। कॉलीफ्लावर का भी कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप जो भी सब्जी यूज करें इस रेसिपी के लिए उसे हल्का गोल्डन ब्राउन जरूर करें। अब बची हुई जो सब्जी है भिंडी वो रखें और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें।
सारे सब्जियों को फ्राई करके रेडी कर लिया है और ये काफ़ी गर्म है। अब हम इसमें जो मसाला हमने रेडी किया था उसे हर एक सब्जी के ऊपर इस तरह से रख दें। जब आपकी सब्जी गर्म रहेगी तभी ये मसाला रखें, जिससे मसाला उस गर्म सब्जी में अच्छे तरह से चिपक जाएगा और जब आप सब्जी खाओगे तो मसाले की खुशबू हर एक बाइट में आपको मिलेगी। इसमें हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाला हल्का सा नमकीन होता है। आप चाहो तो नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मसाले को अच्छी तरह से हर एक सब्जी में लग जाए इसलिए हाथ से इसे हल्का सा इस तरह से मिला लें। ग्रेवी बनाने के लिए चार मीडियम साइज के टमाटर बारीक कट कर लिया है। अब इसे मिक्सर जार में रखिए और इसका प्यूरी बना लें। देखिए मिक्सर में हमने इसे बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर प्यूरी, 2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लवंग और इलायची। एक पैन ले, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें मीडियम फ्लेम पर, फिर लौंग और इलायची रखें। लौंग और इलायची की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी जो खुशबू है वो तेल में आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करें और कुछ सेकेंड के लिए इसे तेल में अच्छी तरह से भून लें। फिर बारीक कटा हुआ हरी मिर्च रखें। आप जितना तीखा पसंद करते हो उसी हिसाब से आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसे भी कुछ सेकेंड के लिए तेल में इस तरह से मिक्स कर लें। फिर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अदरक और लहसुन का कच्चापन जाने तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें। अदरक और लहसुन के पेस्ट की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यानी अदरक और लहसुन का कच्चापन चला गया है। अब हम इसमें रखेंगे पिसा हुआ टमाटर, यानी टमाटर की प्यूरी। रखें और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक हमारा टमाटर प्यूरी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पक रहा है तो चलिए अब हम सब्जी की तैयारी करते हैं। सब्जी के मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और नमक स्वाद अनुसार। सब्जी का मसाला बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। अच्छे से तेल गरम होने पर अब बारीक कटा हुआ प्याज रखें। आपकी तवा सब्जी एकदम परफेक्ट बने इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आप ये रेसिपी के लिए जो भी आप भुने या जो भी रखें सारे चीज़ के लिए लो फ्लेम ही रखें, जिससे इसके अच्छे से पकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और जलने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी हम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से हमने भून लिया है 1 मिनट तक। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और मिर्ची रखें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। देखिए हमारा प्याज लो फ्लेम पर अच्छे तरह से पक रहा है। तो जब तक ये पक रहा है तो चलिए हम टमाटर की ग्रेवी चेक करते हैं कि वो रेडी हुआ है या नहीं। हमारी जो टमाटर की ग्रेवी है देखिए वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और उसका जो पानी है वो लगभग सूख गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने लिया है गरम मसाला। इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला रखें और इसे अच्छी तरह से टमाटर की ग्रेवी में मिक्स करें ऐसे, जिससे टमाटर के ईच एंड एवरी बाइट में आपको उस गरम मसाले का स्वाद आ जाए। और टमाटर खट्टे होने की वजह से हल्का सा नमक भी काफ़ी तेज़ लगता है, तो हम यहाँ पर
थोड़ा सा नमक रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार नमक रख सकते हो। अब नमक रखने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर और थोड़े देर तक पकने के लिए रख दें। देखिए प्याज लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अगर आप मसाले थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप और थोड़ा सा जीरा पाउडर या धनिया पाउडर रख सकते हो। फिर हमने यहाँ पर रखा है एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे लो फ्लेम में ही मिक्स कर लें। हमारे सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं और ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला है वो और अच्छी तरह से पके और प्याज ज़्यादा ना जले। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है तवा सब्जी में। इसके बिना कोई भी तवा सब्जी रेडी नहीं होती, क्योंकि जब आप इसमें पानी रखते हो तो वह पानी की वजह से प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाला भी अच्छे से पक जाता है, उसमें अच्छी सी थिकनेस भी आ जाती है ग्रेवी में। हमारा प्याज का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी होने आ रहा है, तो चलिए अब टमाटर की ग्रेवी को भी रेडी कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी में जो टमाटर का पानी था वो पूरी तरह से सूख गया है और ग्रेवी काफी अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई है। टमाटर का जो टेस्ट है वो हल्का सा खट्टा रहता है, तो उस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर शहद ऐड कर रहे हैं। अगर आप शहद प्रेफर नहीं करते हो तो उसके जगह पे आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच शहद रखेंगे और इसे ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे भुना हुआ कसूरी मेथी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें, जिससे कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो आपके मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस टमाटर की ग्रेवी में हल्का सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं चार बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। हमारी टमाटर की ग्रेवी रेडी हो गई है। हरा धनिया रखें, अच्छी तरह से उसे मिक्स करें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। हमारे टमाटर की ग्रेवी रेडी हो गई है, प्याज का मसाला भी रेडी हो गया। अब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज सर्विंग। तो इसे अब सर्व करते हैं। भाई तवा सब्जी है तो बिना तवे का तो सब्जी तो बनेगा नहीं, तो चलिए अब सर्व। हमने जो सब्जी को फ्राई करके रेडी कर लिया था, अब एक तवा लें, उस तवे के ऊपर उन सारी फ्राइड सब्जियों को इस तरह से एक एक करके रख दें। हमारी दोनों ग्रेवी रेडी है, तो अब खाली हमें सब्जी को उस ग्रेवी में मिक्स करना है और जिन्हें जो सब्जी पसंद है उन्हें वो सर्व करना है। तो चलिए करते हैं। आपको जब कभी भी तवा सब्जी बनाना हो तो पहले ये दो मसाले बनाकर रेडी कर लें, तो आपका जो काम है वो 80% वहीं पर हो जाएगा। और जब सर्व करने की बारी आएगी तो एक बड़ा सा तवा लें, साइड में फ्राई की हुई सब्जियाँ रख दें, बीच में प्याज का जो मसाला हमने बनाया था वो एक चम्मच रखें, उसमें फिर थोड़ा सा पानी रखें जिससे वो जो मसाले की थिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए, वो थोड़ी ग्रेवी जैसी लगे, ताकि जब आप सब्जी उसमें मिक्स करोगे तो हर एक सब्जी में वो मसाले अच्छी तरह से लग जाए। थोड़ा पानी रखते हुए आप मसाले को पहले अच्छी तरह से भून लें। हमने यहाँ पे इनफ पानी रख लिया है। अब हम एक एक करके जो सब्जी है वो रखेंगे। आपको जो सब्जी पसंद हो या जो मेहमानों को सब्जी पसंद हो तो वो आप सब्जी रख कर इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच टमाटर की ग्रेवी और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आपको तवा सब्जी बनाने की फील अगर चाहिए
तो इस तरह से इसे मिक्स करें। दोनों हाथ में आप स्पैटुला या चम्मच लें और इसे अच्छी तरह से सब्जियों में इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब इसे ऊपर से हरा धनिया रखें और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें। हमारी रेसिपी तवा सब्जी रेडी हो गई है। इसे गर्मा गर्म पराठे, नान या रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हो। ये रेसिपी कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।